हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोनालिसा बोस, ऑर्थोडोंटिस्ट, और आपका स्वागत है हमारे चैनल जीवन कोश पे, जहाँ पे हम डेंटल रिलेटेड क्वेरीज के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने इसी बारे में बात किया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। और आपको कोई भी क्वेश्चंस है उसके रिगार्डिंग, या कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स और नीचे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं। आज हम बात करेंगे ब्रशिंग टेक्निक पे। बहुत सारे पेशेंटों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम ब्रश तो रेगुलर करते हैं, लेकिन हमारे जो दांतों के डिपॉजिट्स हैं वो जाते नहीं हैं। तो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक भी इक्वली बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ज़्यादातर जब ब्रश करते हैं तो दांतों का जो फ्लैट सरफेस है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि खाना जो है वो मसूड़े और दांत के बीच का जो स्पेस है वहाँ पे ज़्यादा फंसता है। तो हमें उस एरिया पे भी कंसंट्रेट करना चाहिए, ना कि सिर्फ फ्लैट सरफेस को ब्रश कर रहे। तो आपको क्या करना है, कोई भी सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, क्योंकि ब्रशिंग जो है वो दांत घिसने के लिए नहीं है, बस जो भी आपका फूड पार्टिकल या फूड डिपॉजिट है उसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आपका जो ब्रश है उसको 45 डिग्री एंगल पे रखना है आपके मसूड़े से, और डाउनवर्ड मोशन में जो भी आपका खाना फंस रहा है या प्लाक हो रहा है या फूड डिपॉजिट है उसे निकालना है। तो जो ब्रश का लेंथ होता है उसे आप 3 दांत कवर कर सकते हो। तो पूरे मुंह को कवर करने के लिए ऊपर नीचे अंदर से, और जहाँ पे अक्लूजल सरफेस, मतलब जहाँ पे ऊपर वाला दांत और नीचे वाला दांत मिलता है, वो भी आपको कवर करना है, क्योंकि अक्लूजल सरफेस में ज़्यादातर हमारा खाना फंसता है। बट अगर आपके दांतों में कोई स्टेन हो और हार्ड डिपॉजिट, जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात किया था, कैलकुलस होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड फूड डिपॉजिट होता है जो दांतों के अंदर के तरफ फंस जाता है, उसको निकालना हो, तो वो ब्रशिंग से कभी अकेला नहीं निकल सकते। उसके लिए आपको आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। बट उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, जब भी माइनर फूड डिपॉजिट हो आप प्रॉपरली उसको ब्रश कर सकते हो। 45 डिग्री एंगल पे आपका ब्रश को जिंजाइवल हाइट पे रख के, गम हाइट पे रख के, डाउनवर्ड मोशन पे, तो सारे सर्फेसेस प्रॉपरली ब्रश होने चाहिए। हम लोग डेंटल टर्म में मसूड़े को जिंजाइवा बोलते हैं। तो जब ये मसूड़े में खाना फंस जाता है, तो कभी कभी आप देखते होंगे आपका पाइडिया हो रहा है ना, कुछ भी अगर आप खा रहे हो तो खून निकल रहा है मसूड़े से, कभी कभी मसूड़े सूज भी जाते हैं। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि खाना बहुत दिन से मसूड़े और दांत के वो बीच वाला सरफेस पे फंस रहा होता है, और हम उसको कंसंट्रेट ना करके बाकी सारे जगह में अपना ब्रशिंग कंटिन्यू करते हैं। तो हमें वो वाला सरफेस पहले कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो जिंजाइवल जो पोर्शन है ना, गम जो कि टीथ है और गम है, उसका बीच का जो इंटरफेरेंस है उसको अच्छे से ब्रश करना चाहिए एवरी डे। अगर आपको फील हो रहा है कि आपका मसूड़े के अंदर खाना फंस रहा है, आप अच्छे से कूला कीजिए। कूला करने के बाद आप फ्लॉस भी कर सकते हैं। तो हम आपको बताएं कि फ्लॉस क्या होता है। फ्लॉस एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वैक्स कोटेड होता है। तो आप उसको दांतों के बीच में डाल के सारा जो भी आपका खाना फंस रहा है दांतों के बीच में उसको इजीली निकाल सकते हैं। हम इस चीज़ में कभी भी टूथपिक प्रेफर नहीं करते, क्योंकि जो टूथपिक होता है वो काफ़ी हार्ड होता है ना, तो उससे भी आपका जो गम है, मसूरा है या जिंजाइवा है, वो क्या होता है, वो हार्म हो सकता है, वो इंजूरी करता है टूथपिक। तो आप जितना चाहे फ्लॉस कीजिए जब भी खाना फंस रहा है। अभी आम का मौसम है, तो आम के मौसम में भी बहुत ज़्यादा आम दांतों में फंस जाता है, उसका फाइबर्स जो है, तो लोग उसको टूथपिक से निकाल देते हैं। तो इस कारण क्या होता है, लोगों अपने मसूड़े को इंजूरी कर देते हैं और मसूड़ा भी इस कारण नीचे चला जाता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ब्रशिंग के बाद प्रॉपर फ्लॉसिंग भी करें, और अच्छे से कूला करें और गम मसाज भी करें।
बहुत लोगों को ये भी डाउट रहता है कि अगर हम फ्लॉसिंग करेंगे तो हमारे जो दांतों के बीच में गैप आ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक मिथ है। अगर आप फ्लॉसिंग करोगे तो आपका गम हेल्थ, जो कि मसूड़े का हेल्थ और दांतों का हेल्थ, दोनों ही बढ़ जाएगा। ये बस जो आपका दांतों के बीच में खाना फंस रहा है, जिससे आपका डेंटल केरीज, कीड़ा लग सकता है, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया पाइडिया है ना, मसूड़े सूज जाना, बहुत कुछ हो सकता है। ये सारे चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो बस एक सिंपल टेक्निक से, जो कि फ्लॉसिंग है। तो फ्लॉसिंग करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है आफ्टर ब्रशिंग, अगर जो कॉन्टैक्ट्स में आपका बहुत ज़्यादा खाना फंस रहा हो। तो आपको अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी कोई दिक्कत हो तो इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट के पास जाए। अच्छे से ब्रशिंग करने पे भी कभी कभी फूड डिपॉजिट्स हो ही जाते जो आपके ब्रशिंग से नहीं निकलते, तो अपने डेंटिस्ट को हर 6 मंथ में ज़रूर विजिट करें। थैंक यू। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे दिए गए नंबर और कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं।